नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर में शनिवार को एक बड़ी घटना सामने आई। दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए वन विभाग की 18 सदस्यीय टीम से जब्त हुए दो ट्रैक्टर हथियारों की नोक पर छीन लिए। ये मामला बमेठा थाना क्षेत्र के गंज के समीप घटित हुआ है, जहां रेत माफिया मिट्टी का उत्खनन करते हुए पकड़े गए थे। पहले वन विभाग की टीम ने दो ट्रैक्टरों को मिट्टी सहित जब्त किया था और जब टीम इन ट्रैक्टरों को जब्त कर बसारी सर्किल ले जा रही थी, तभी पीछे से गाड़ी और मोटरसाइकिलों पर आए बदमाशों ने हथियार दिखाते हुए वन विभाग की टीम से दोनों ट्रैक्टर छीन लिए और इसे लेकर चले गए। इस घटना का एक वीडियो भी बन गया और ये वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह वन विभाग की 18 सदस्यीय टीम को झांसी फोर लेन पर रोका जाता है। एक फोर व्हीलर ट्रैक्टर के आगे खड़ी की जाती है और उसके बाद कुछ लोग हथियार लेकर उतरते हैं और वन विभाग की टीम से दोनों ही ट्रैक्टरों को छीन कर ले जाते हैं। इस ट्रैक्टर को छीन कर इसे फोर लाइन के नीचे उतारा जाता है और फिर मिट्टी को सड़क पर ही खाली कर दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों ट्रैक्टर आरोपी मौके से ले जाते हैं। ये पूरा तमाशा वन विभाग की टीम के साथ घटित हुआ और टीम खड़े खड़े इसे देखती रही। वन विभाग की टीम कुछ समझ भी नहीं पाई कि किस तरह दबंगई दिखाते हुए उन्हें हथियारों की नोक पर डराकर इस जब्ती को छीन लिया गया। अब वन विभाग के रेंजर का कहना है इस पूरे मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इस मामले में तीन आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें देवेंद्र शुक्ला, बीरेंद्र शुक्ला और राधे मोहन दुबे बताए गए हैं। इन तीनों आरोपियों पर अब वन विभाग आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की बात कह रहा है। आज सुबह मुझे 5 बजे जानकारी मिली कि बीट गंगवाहा में कुछ ट्रैक्टर अवैध उत्खनन करने के लिए गाँव के लोगों को लेकर गए हुए हैं। जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने तत्काल स्टाफ को खबर दी और ऑर्डर किया कि आप लोग सब लोग गंगवाहा पहुँचें, मैं भी आ रहा हूँ। ये लोग जब गंगवाहा गए तो वहाँ पर दो ट्रैक्टर में अवैध मिट्टी का उत्खनन कर, जिससे वो मिट्टी से बालू बनाते हैं, उनको लोड करके लाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही मेरा स्टाफ पहुँचा, वैसे ही उनको देख के कुछ लोग भाग गए। उसमें एक आरोपी पकड़ा गया, एक मोटरसाइकिल पकड़ी गई और दो ट्रैक्टर हम लोगों ने जब्त किया। जब दोनों ट्रैक्टर को जब्त किया और हमारे कर्मचारी उनको लेके आ रहे थे और घटना स्थल से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके थे, उस समय गंज में 2-3 लोग फोर व्हीलर से आए और उन्होंने गाड़ी के सामने, ट्रैक्टरों के सामने दोनों गाड़ियाँ लगा दी। और एक धीरेन्द्र शुक्ला, बीरेन्द्र शुक्ला करके हैं, इन्होंने हमारे कर्मचारियों को कट्टा लगाया जो गाड़ी चला रहा था, उससे वो गाड़ी छुड़ा कर बालू मेन रोड में अनलोड करके लेके चले गए। इसमें आगे की कार्रवाई हम लोग प्रकरण पंजीबद्ध कर चुके हैं, गाड़ियों को जब्त करेंगे, पुलिस अधीक्षक महोदय को रिपोर्ट करेंगे, TI साहब को बताएंगे, इसके बाद वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कौन सर बोलो? उसमें धीरेन्द्र शुक्ला, बीरेन्द्र शुक्ला ने कट्टा उड़ाया था और ऐसी जानकारी लग रही है, लेकिन अब कन्फर्म हमारी जब पूरी जाँच हो जाएगी तब मैं आपको बताऊँगा। मैं अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और शासकीय संपत्ति को लूट का मामला पुलिस में दर्ज करवाएंगे, क्योंकि IPC के धारा के तहत प्रकरण दर्ज होगा और जो अवैध उत्खनन का है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। क्षेत्र का मामला है, ये बमीठा थाने क्षेत्र का मामला है। आपके वरिष्ठ अधिकारी इसमें सहयोग कर रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने सूचित किया है, मुख्य वन संरक्षक महोदय को सूचित किया है, DFO साहब को भी सूचित किया है, उनको हमने नाम भी लिखवाया, उन्होंने SP साहब से साथ चर्चा की होगी। अब चूंकि अभी मैं प्रकरण में लगा हुआ हूँ तो पूरा विस्तृत अभी नहीं बता पाऊंगा।